ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन स्टोर है आपकी, स्टोर इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल आपको पता है, डेट इज डीएनए। अब डीएनए के अंदर ऐसी क्या चीज है, डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट हैं, जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जीन अपने आप को क्या करता है बेटे, एक्सप्रेस करेगा। ये बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल फ्लो डायग्राम से मैं आपको बता रहा हूं। जीन ने एक्सप्रेस करना है, और एक्सप्रेस करने के बाद फिनोटाइप सामने आएगा। ठीक है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस किसी भी चीज की। तो जीन का जो एक्सप्रेशन है, दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है और प्रोटीन बनाता है, या आप कह सकते हो पेप्टाइड। मैंने पेप्टाइड क्यों बोला, क्योंकि नेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो एक या एक से ज्यादा, तो इवन तीन या चार भी उसके अंदर पेप्टाइड आपको देखने को मिलते हैं। इस पेप्टाइड के बारे में आप बायोमोलिक्यूल्स के अंदर डिटेल में पढ़ोगे। पेप्टाइड्स आपके बनते किससे हैं ये ध्यान रखो, पेप्टाइड्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। पेप्टाइड किससे बनेंगे, अमाइनो एसिड से बनेंगे। ठीक है, तो बेटे जीन का जो एक्सप्रेशन होगा, डेट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसी के ऊपर हम लोगों ने फोकस करना है। तो सेल के अंदर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, डेट इज ए डायग्राम ऑफ सिंपल डायग्राम न्यूक्लियस। ये डायग्राम किसका हो गया आपका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अंदर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जेनेटिक मटेरियल को, जो कि क्रोमाटीन होता है, कंसिस्ट ऑफ डीएनए प्लस में प्रोटीन। क्रोमाटीन जो होगा बेटे वो आपका किससे बना रहता है, लिख लो अभी इसको साइड में आप। क्रोमाटीन दो चीजों से मिलकर के बना होगा आपका, डीएनए, और डीएनए को फोल्ड करने वाले प्रोटीन। ठीक है, डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ओके, और एट सेम टाइम डीएनए का नेचर कैसा होगा, एसिडिक। ठीक है, उसके बाद जो प्रोटीन्स होंगे ये आपके कैसे होंगे, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर होगा, और ये कैसे होंगे, बेसिक। ठीक है, तो बेसिक प्रोटीन्स आपके किसके साथ बाउंड होते हैं, डीएनए के साथ, और एक यूनिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, डेट इज ए क्रोमाटिन। क्रोमाटीन हमने पढ़ा है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रोमाटीन इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और क्रोमाटीन जब अपने आप को कंडेंस कर लेगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको पता ही है बेटे, डेट इज ए डायग्राम ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर। ये जो एंड वाले पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेलोमियर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेलोमियर। और क्रोमाटीन का अगर डायग्राम बनाना हो तो मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, टैंगल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन यहां से यहां कन्वर्जन कब होगा इसका, जब जब सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। तो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमाटीन कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज हाईली वेल ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज लूपी स्ट्रक्चर। बट इन केस ऑफ क्रोमाटीन देयर इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर टैंगल्ड। ओके, एंड constituents of chromatins are DNA molecules plus में protein. Proteins are positive and basic in nature. Why basic in nature? Because within proteins
देर आर सम बेसिक अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी विच अल्टीमेटली लीड टू द डिटरमाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट प्रोटीन एज ए बेसिक एंड एट द सेम टाइम डीएनए आपका नेगेटिव है और ये एसिडिक रहेगा. अभी आप इतना ही ध्यान रखें, बाकी डिटेल में आपको बायोमोलिक्यूल्स के अंदर इसके बारे में आपको अच्छे से पता लगे. ठीक है, तो दोनों जरूरी हैं और दोनों जरूरी होंगे तो आसानी से जो डीएनए है वो फोल्ड हो जाता है किसके ऊपर, बेसिक प्रोटीन के ऊपर, और एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बना देगा, दैट इज ए क्रोमेटिन. यहां तक क्लियर है सभी को? तो मैंने अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन ना बना करके मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है डीएनए का, एक सिंपल सा डायग्राम मैंने ठीक है. और डीएनए के अंदर आपको पता है कि जीन्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, छोटी छोटी बातें बेटा लेक्चर में आपके सामने आती रहेंगी. जीन्स का जो टोटल नंबर है वो कितना होगा, 30,000. हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसका अमाउंट काफी ज्यादा है, लेकिन जो जीन्स हैं फंक्शनल वो आपके कितने रहेंगे, 30,000. बोलो क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक कोई डाउट है तो बेटा उसके बाद हम लोग चैट में थोड़ा सा जल्दी लिखा करो कि कोई डाउट है तो पूछें, डाउट नहीं है तो आगे बढ़े हम लोग. हाँ जी जल्दी से बताइए प्लीज बेटा, रिस्पॉन्स थोड़ा जल्दी दिया करो आप लोग चैट में लिख करके. ये हमारे पास है डीएनए और डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट है. ठीक है, जीन के एक्सप्रेशन से बनेगा आपका प्रोटीन. एट द सेम टाइम यहां पर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में आपको छोटे छोटे पोरस पोर्स नजर आते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर पोर्स का जो नंबर है वो कितना हो सकता है, 1,000 से 10,000 भी हो सकता है, 1,000 to 10,000 भी हो सकता है. तो ऐसा नहीं है कि इस फिगर में मैंने केवल यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पोर बनाए हैं तो केवल 5 पोर ही वहां पर प्रेजेंट होंगे, इससे भी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं. कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसको न्यूक्लियस के अंदर जाना हो तो वो ऐसे जाएगा, और न्यूक्लियस के बाहर आना हो तो वो इन पोर्स के थ्रू आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ठीक है, अब देखिए ये बाहर का रीजन जो है, न्यूक्लियस से बाहर का रीजन को हम लोग क्या कह देंगे, साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस से बाहर का जो रीजन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस और ये रीजन हो गया आपका साइटोप्लाज्म, ये है जी. नाउ अब साइटोप्लाज्म में जाकर के क्या होगा कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर 3 तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे. द फर्स्ट वन इज एमआरएनए एंड द सेकंड वन इज टीआरएनए एंड थर्ड वन इज राइबोसोमल आरएनए. ये तीनों तरह के एमआरएनए आपके बनते कहाँ हैं, न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं और न्यूक्लियस के अंदर ही एक रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, दैट इज ए साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और मोस्टली ये जो रीजन है ये अपने आप को इन्वॉल्व करता है आरएनए की फॉर्मेशन. न्यूक्लियस के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन जहां पर आरएनए का सिंथेसिस होता है. ठीक है, तो जब आरएनए बन जाएंगे आपके 3 टाइप ऑफ आरएनए, एमआरएनए मॉलिक्यूल्स, टीआरएनए मॉलिक्यूल्स और राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स. जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स और राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके न्यूक्लियोलस रीजन में बनेंगे, लेकिन जो एमआरएनए का मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल्स आपका और
अदर रीजन्स में भी बन सकता है, और इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज मैसेंजर आरएनए। इसके पास मैसेज है, इसके पास किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए मैसेज है। इसकी फुल फॉर्म होगी ट्रांसफर आरएनए। प्रोटीन को बनाने के लिए जरूरी है, प्रोटीन को बनाने के लिए जरूरी है अमाइनो एसिड। ध्यान से सुनना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्रोटीन, प्रोटीन इज ए मॉलिक्यूल, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल, काफी बड़ा साइज होता है। इसकी जो बेसिक यूनिट होगी, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड, ठीक है। तो प्रोटीन को बनाने के लिए जरूरी है कि अमाइनो एसिड हो। अब अमाइनो एसिड को लाने का काम कौन करेगा? ट्रांसफर टीआरएनए। अभी जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही करना है आपको। इसका डिटेल तो बेटे बायो मॉलिक्यूल्स में भी है, और फिर 12th क्लास में तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ना ही है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल आइडिया है तो जरूर आपको पता होना चाहिए। तो ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होगा कि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम करता है। थर्ड है मेरे पास राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करेगा? स्पेस, ये जगह प्रोवाइड करेगा। और राइबोसोमल आरएनए के टाइप कितने होते हैं? दो टाइप के होंगे, एक तो 70S और एक होगा 80S। यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें आपको 80S राइबोसोमल आरएनए देखने को मिलेगा, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो आपको 70S आरएनए देखने को मिलेगा। तो राइबोसोमल आरएनए क्या प्रोवाइड करते हैं? स्पेस। एस का मतलब यहां पर है बेटा सेविडबर्ग। एस स्टैंड करता है किसको? सेविडबर्ग को रिप्रेजेंट करता है। इट इज ए यूनिट। जिस साइंटिस्ट ने यह बताया था कि कितने रोटेशन पे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर राइबोसोमल आरएनए टूटता है, सेटल डाउन होता है, बाइफर्केट होने के बाद ऑब्टेन होता है, उसको उसने बताया था। द साइंटिस्ट वाज सेविडबर्ग, इसी बेस पे उसको नाम दे दिया एस, ठीक है। तो ये यूनिट हो गई। तो रोटेशन पर मिनट, कितने मिनट के रोटेशंस में या कितने सेकंड के रोटेशंस में राइबोसोमल आरएनए टूटता है, स्प्लिट होता है, उस बेस पे यहां पर एस लिखा गया है, ठीक है। इसकी पर्टिकुलर यूनिट होती है बेटे, जब हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, तब मैं आपको बताऊंगा कि 1s कितने के बराबर, कितने रोटेशन के बराबर होती है, ठीक है। 1.67 समथिंग रोटेशन है, अभी मेरे ध्यान में नहीं है तो मैं ये आपको बाद में बताऊं। तो यहां पर मेरे पास तीन तरह के आरएनए हो गए, एक हो गया बेटे यहां पर एमआरएनए, एक हो गया टीआरएनए और एक हो गया राइबोसोमल आरएनए। बनाना क्या है? तीनों को मिलकर के प्रोटीन, प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी है तीनों को मिल करके। जिस टाइप का प्रोटीन बनाना है वो इंफॉर्मेशन है मैसेंजर आरएनए, और उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो अमाइनो एसिड चाहिए उसको कैरी कौन कर रहा है? टीआरएनए। और राइबोसोमल आरएनए स्पेस प्रोवाइड करेगा। तो तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे? एमआरएनए प्लस में टीआरएनए प्लस में राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों आरएनए मिलकर के इनको क्या बनाना होता है? प्रोटीन। और ये फॉर्मेशन बेटा, प्रोटीन की फॉर्मेशन कहां पर होगी? साइटोप्लाज्म। तो आप आइडिया लगा सकते हो, साइटोप्लाज्म इज ए सीट वेयर वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, ओके। तो दैट इज अबाउट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये है आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सेल के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसीड करती है। स्टार्ट किया था मैंने जीन से और खत्म किया है मैंने उसको प्रोटीन पे, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग सा छोटा सा पॉइंट और रह गया इसमें, बट यहां तक कोई डाउट है तो आप जरूर मुझको बताइए भाई, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताइए प्लीज। हाँ जी बताओ बेटा, को किस में डाउट है?
कॉर्प सेल, ये कहाँ बताया बेटा मैंने अभी, कॉर्प सेल तो नहीं बताया, ऐसा तो कुछ नहीं है। बेटे कॉर्प सेल आप पूरा बताओ मुझे क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ जी, टीआरएनए किसका ट्रांसफर करता है बेटा? टीआरएनए ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड का। ट्रांसफर आरएनए क्या ट्रांसफर करेगा? अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा ये, क्योंकि तीन चीजें हैं ना, मैसेंजर आरएनए के पास तो मैसेज है कि अमाइनो एसिड को कैसे अरेंज करना है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, नेचर के अंदर डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड हैं, 20 से भी ज्यादा, लेकिन उसमें से कई तो यूज नहीं होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन 20 टाइप के अमाइनो एसिड आपके प्रोटीन बनाने के लिए यूज होते हैं। तो उन अमाइनो एसिड को किस तरीके से सीक्वेंस में लगाना है, पहले कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, वो इंफॉर्मेशन है मैसेंजर आरएनए के पास। अब लेकिन ओनली इंफॉर्मेशन से क्या होगा, तो इसलिए जरूरी है कि जो अमाइनो एसिड चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए, उन अमाइनो एसिड को पहुंचाया जाए जहां पर वो बनेगा। तो उसको पहुंचाने का काम कौन करेगा? ट्रांसफर आरएनए। जिस जगह पे बनेगा प्रोटीन वो है आपके पास राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि ये स्पेस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इस तरीके से आपका प्रोटीन बनेगा। दोबारा से सुनिए, देखो हम लोगों को प्रोटीन बनाना है और प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड का होना जरूरी है। नेचर के अंदर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं और उनके अंदर अमाइनो एसिड का नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है, 100 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन उस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कैसा हो उसको डिटरमाइन करने का काम कौन करेगा? मैसेंजर आरएनए। तभी तो उसके पास मैसेज है कि विच अमाइनो एसिड विल कम फर्स्ट एंड देन सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, बट द अमाइनो एसिड्स आर कैरिड बाय ए स्पेशल मॉलिक्यूल्स दैट इज ए ट्रांसफर आरएनए, ये उसको लाएगा। एंड अ स्पेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज प्रोवाइडेड बाय राइबोसोमल आरएनए। अब बताओ बेटा, कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, कोई डाउट है तो। सर आरएनए होता क्या है? अच्छा, बेटा जया बेटा, ये रेड ब्लड कॉर्पस सेल का मतलब है आरबीसी। कॉर्पस सेल का मतलब ही सेल ही हुआ। आगे चलें, ओके आगे चलते हैं भाई, ठीक है। अब देखो बेटा, इतना कुछ करने के बाद हम लोगों ने बना लिया प्रोटीन, लेकिन इंफॉर्मेशन कहीं से आई भी तो होगी। हमने कहा कि यहां पर कोई पर्टिकुलर जीन है, उस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, ठीक है। एक्सप्रेस करने के बाद, जीन के एक्सप्रेशन से, ये चीज याद रखना, किसी प्रोटीन को बनाने के लिए जीन एक्सप्रेस होगा तो वो एक्सप्रेस होके एमआरएनए बनाएगा, ये नहीं बनाएगा इसको। ये तो नेचर, ये तो प्रेजेंट रहते हैं सेल के अंदर, इनको बनाने वाले अलग टाइप के जीन्स प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लियोलस रीजन में मिल जाएंगे। अब किस टाइप का प्रोटीन बनाना है वो इंफॉर्मेशन जीन के पास थी, जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, एमआरएनए बना, ठीक है जी। अब इस जीन के पास इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो आई होगी, तभी तो ये जीन एक्सप्रेस हुआ है, तभी तो ये जीन एक्सप्रेस हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं से तो इंफॉर्मेशन आई होगी। ओके, आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे कि मैं कहूं कि सपोज करो कि बॉडी के अंदर कोई भी एंजाइम ले लो, पेप्सिन, इसके बारे में आपने पढ़ा है। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन को ब्रेक करना। अब पेप्सिन को बनाया किसने होगा? जीन ने ही बनाया होगा, ठीक है। तो पेप्सिन को बनाने वाला जो जीन है वो नॉर्मली तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा? बिकॉज किसी बड़े मॉलिक्यूल का बनना उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है,
ये सारा प्रोसीजर हमने पढ़ा है, इस प्रोसीजर में हम लोगों ने प्रोटीन ही बनाया है। तो सपोज करो कि जीन के एक्सप्रेशन से पेप्सिन नाम का प्रोटीन बन गया, तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए कितना ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन हुआ होगा। तो नेचुरल कंडीशंस में जब नीड नहीं है उस टाइम पे ऐसा प्रोसीजर नहीं होगा, लेकिन अगर बॉडी के अंदर जरूरत है प्रोटीन को तोड़ने की, जो फूड के साथ हम इंटेक कर रहे हैं, तो उसको तोड़ने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए और उस एंजाइम का बनना जरूरी है, ठीक है, तब जाकर के वो जीन एक्सप्रेस करेगा, वो एंजाइम बनेगा, वो एंजाइम फिर प्रोटीन के ऊपर एक्शन करता है, उसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई जीन के पास एक्सप्रेशन के लिए, वो डिपेंड करता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है और इंट्रा सेलुलर भी हो सकती है। तो इसको अभी मैं यहीं पर क्विट कर रहा हूं कि इन्फॉर्मेशन फॉर जीन एक्सप्रेशन मे बी एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, नहीं तो टॉपिक ज्यादा पजलिंग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको इन्फॉर्मेशन जीन के एक्सप्रेशन के लिए आप लिख लो कि इट मे बी एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को ये डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन वाला जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी आप ध्यान रखें जीन के एक्सप्रेशन से mRNA, ठीक है, tRNA प्रेजेंट है, RNA प्रेजेंट है, मिल करके उन्होंने क्या बनाना है, प्रोटीन, ठीक है भाई। रफ कर दूं मैं इसको, जल्दी से बताइए, इसको रब कर दिया जाए, टॉपिक दैट इज ए कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल। कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, सेल का टुकड़ों में बढ़ जाना, इसका मतलब क्या होगा, सेल का टुकड़ों में बढ़ जाना। तो टुकड़ों में बढ़ने का मतलब क्या हुआ जी, आपको पता है कोई भी सेल है उसके पास साइटोप्लाज्म होगा, तो यही कंपार्टमेंटलाइजेशन है, उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अगर सेल कौन सी है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, तब न्यूक्लियस नहीं होगा। थर्ड वन सेल ऑर्गेनलीज, सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होंगी जो अपना डाइवर्स फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और आपको पता है कि जितनी भी सेल ऑर्गेनलीज हैं, राइबोसोम के पास केवल प्रोकैरियोट्स के पास केवल राइबोसोम प्रेजेंट होगा, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों को नीड रहती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कह देते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल। सेल को फ्रेगमेंट में हमने तोड़ा है, उसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो मैंने आपको इधर बताई, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनलीज। फिर यहां पर बेटा एक और चीज है कि जो सेल ऑर्गेनलीज हैं, सेल ऑर्गेनलीज आर आल्सो सेपरेट फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बिकॉज दे हैव देयर ऑन बाउंड्री, मींस उनकी भी खुद की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है। तो यहां पर एक चीज आई कि वी हैव ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लस में मेम्ब्रेन्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनलीज, जितनी भी ऑर्गेनलीज हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज हैं, यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह आप मेम्ब्रेन लिख रहे, ठीक है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं बेटे कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस मेम्ब्रेन ऑफ वेरियस ऑर्गेनलीज, कुछ ऐसी ऑर्गेनलीज भी हैं जिनके पास प्लाज्मा उनकी खुद की बाउंड्री नहीं होती है, जैसे कि राइबोसोम, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी ऑर्गेनलीज हैं उनके पास क्या होता है, उनकी खुद की बाउंड्री होती है, खुद की मेम्ब्रेन होती है।
वो मेम्ब्रेन हो सकती है कि आपकी बाई लेयर ना हो, वो सिंगल लेयर भी हो सकती है और वो कईयों में बाई लेयर भी हो सकती है। जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हम आगे पढ़ेंगे तो वो क्लियर होता चला जाएगा आपका, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पर केवल जस्ट मेम्ब्रेन्स लिखा है। तो मिलकर के ये दोनों क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के एक टर्म बनाते हैं, दैट इज बायो मेम्ब्रेन। एक टर्म बन जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन्स। तो बायो मेम्ब्रेन्स का मतलब हुआ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलेगी, और वो हो सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी और मेम्ब्रेन्स ऑफ द वेरियस ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो यहां तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कोई डाउट है तो मुझको जल्दी से बताइए। और एक और बात बेटा, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी बाउंड्रीज हो, बिकॉज वो डाइवर्स टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब सपोज करो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, आपको पता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, और साइटोप्लाज्म के अंदर पहले से ही वहां पर डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स चल रहे हैं, तो उनके बीच में क्लैशेस ना हो, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि एक बायोकेमिकल प्रोसेस दूसरे बायोकेमिकल प्रोसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सकता है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस एक साथ आप एक ही बर्तन के अंदर नहीं कर सकते। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं, प्लास्टिड के अंदर हो रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर या गोल्जी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को आप साइटोप्लाज्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के साथ जोड़ करके नहीं चल सकते। इसीलिए जरूरी है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एक दूसरे से क्या रहे, अलग अलग रहे, उनका अंदर का कंटेंट अलग रहे, ओके, और जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो उनसे अलग रहे, वो मिक्सअप ना हो। अगर वो मिक्सअप हो गया तो मैं फिर से कह रहा हूं आपको, डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस बहुत तेजी के साथ होते हैं, सेकंडों में माइक्रो सेकंड के हिसाब से रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो कोई डाउट है तो बेटा मुझे जल्दी से बताइए आप। जल्दी बताइए भाई, जल्दी से चैट में लिख के बताओ। टॉपिक का पूछना था, आरएनए क्या होता है? ठीक है, तो दैट इज अबाउट कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो एक दूसरे से आइसोलेट है, और ये जरूरी है, ठीक है, ओके। एक और चीज याद रखनी है आपने कि हम लोगों ने किया था टाइप्स ऑफ सेल्स, इसके अंदर आपको पता है कि आपने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और सेकंड पढ़ा था आपने यूकैरियोटिक, ठीक है। इन सेल का साइज क्या होता है, स्मॉल, इनका साइज क्या होता है, लार्ज होते हैं। साइज को हम लोग किससे मेजर करेंगे, माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर में मेजर करेंगे। यहां न्यूक्लियस क्या था, अब्सेंट, और यहां न्यूक्लियस क्या था, प्रेजेंट। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके स्ट्रक्चर को हम लोग डील करेंगे, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के जो कंपोनेंट हैं उसको हम लोगों ने स्टडी करना है, ठीक है बेटा। तो यहां तक आप लोगों ने होमवर्क करना है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आज हम लोगों ने करी है और कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सेल किया है, ये दो छोटे से टॉपिक करें तो ये आप लोगों को डील करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज ए प्रोकैरियोटिक सेल, और बाकी आपको जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे।